गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे आई एम सॉल्विंग सम क्वेश्चन फ्रॉम पेज 61। दिस इज रीजन वन। आई सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 एज एग्जाम्पल। लेट अस लर्न चैप्टर एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स विद कैरिंग व्हेन द सम इज मोर देन 100। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ऐड 92 प्लस 73 ना ऊपर नीचे रख के ऐड करते हैं, तो वंस को वंस के साथ ऐड द वंस 2 3 ना इक्वल टू कितना होगा 5। हमने 5 रख दिया ना, राइट 5 इन द वन प्लेस। अब चले टेंस को। स्टेप 2 में ऐड द टेंस 9 7 16 होता है, 16 के 6 कैरी 1 1 लेगा 100 के ऊपर। अब यहाँ भी ऐड द 100 में देखते हैं कि यहाँ 0 0 है और कैरी 1 1 है, तो 1 मिला तो 1 हमने रख दिया। इस तरह से रिजल्ट मिला 165। ठीक है, अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन करेंगे। 92 इज इक्वल टू 90 प्लस 2 बराबर 19 प्लस 2 1। 73 को हमने कर दिया 70 प्लस 3 17 प्लस 3 1 ना। अब ऐड करने के बाद लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्या 160 आया और 325 आया। ये भी 9 7 16 आ गया, 325 1 आ गया। फिर 162 को हमने यहाँ अलग अलग किया 100 प्लस 60, और इधर होगा 610 का 100 प्लस 16, क्योंकि 100 इक्वल टू 10। सबको ऐड करने पर 100 मिला और प्लस 60 और प्लस 5, इधर भी 116 मिला था, 5 1 सही था, तो रिजल्ट मिला 165 ना। अब चलते हैं वर्किंग रूल में। अभी जो बता दिया था, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है 484 प्लस 83, तो हमने उसी तरह ऐड करके बताया 437 88 16 के 6 कैरी हुआ 1 1 आ गया, 100 में रख दिया 167। क्वेश्चन नंबर 3 101 76 33 कैरी 1 1 तो हो गया 131। यहाँ भी हमने देखा कि 62 प्लस 91 था, तो सबसे पहले ऐड द वंस 2 1 3 3 आ गया, फिर इसके बाद टेंस को ऐड द टेंस 9 6 15 आया, 15 के 5 करी 1 1, तो ऐड करने पर 100 आ गया, यहाँ पर 153। तो इस तरह से कंप्लीट करके मैं भेज दिया। अब आपको होमवर्क में 10 क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 62 को बना के लाना है, ठीक है, और इसको रिप्लाई ग्रुप में भेज देना है, ठीक है ना। ठीक है, ओके।